बचाने के लिए आऊंगा, मेरा नेता मुझे बचाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। अभी एक आपने एक छोटी सी क्लिप देखी सलमान खुर्शीद की, इस पे मैं बात करती हूं अभी। लेकिन पूरे देश में आज कांग्रेस ने महंगाई को लेकर के धरने प्रदर्शन किए हुए हैं। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी जमानत पे बाहर हैं। अब जबकि प्रवर्तन निदेशालय ने मामले को तेज कर दिया है और दोनों को गिरफ्तारी का डर सता रहा है। ईडी ने हाल ही में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से कई राउंड पूछताछ की है, बातचीत की है। इस सिलसिले में नेशनल हेराल्ड से जुड़े कई जगहों पे छापे भी मारे हैं और हवाला लेन देन के सबूत भी मिले हैं। और छापे के बाद दिल्ली स्थित हेराल्ड हाउस दफ्तर को सील कर दिया गया है। इस सबसे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी के बड़े नेता बौखलाए हुए हैं। तमाम राज्यों के बड़े नेता अपना कामकाज छोड़ करके दिल्ली में धरने प्रदर्शन में जुटे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस ने इसे ईडी की कार्रवाई के खिलाफ न बताते हुए महंगाई के खिलाफ बताया है। वैसे एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि इसमें महंगाई की बात कम हो रही है, लेकिन ईडी की चर्चा ज़्यादा हो रही है। जहाँ भी लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, थोड़ी देर नारेबाजी करते हैं और उसके बाद फिर वही ईडी की चर्चा में जुट जाते हैं। ईडी की कार्रवाई से पार्टी के सीनियर लीडर डरे हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि 5 लाख रुपए से 5,000 की कंपनी कब्जाने के मामले में ईडी कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। इसीलिए पार्टी नेता धरना प्रदर्शन का रास्ता अपना रहे हैं ताकि कुछ और दिन राहत की मिल जाए। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बात की तस्की कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद ने भी कर दी है। उन्होंने बहुत साफ लफ्जों में कहा है कि मैं अपने नेता को बचाने आया हूं, मैं अपने परिवार को बचाने के लिए आऊंगा, मेरा नेता मुझे बचाता है। वो साफ साफ कह रहे हैं कि वो परिवार को बचाने नहीं आए हैं, वो अपने नेता को बचाने आए हैं। महंगाई के मुद्दे पे कांग्रेस आज देशभर में प्रदर्शन कर रही है और पार्टी के दिग्गज नेता इस समय मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, पूरे प्रदर्शन को लीड कर रहे हैं। दोनों दिग्गज नेताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया और कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी ने कहा है कि ये सब गांधी परिवार को बचाने के लिए किया जा रहा है। बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने इसी पे पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि वो परिवार को बचाने के लिए नहीं आए हैं, वो परिवार को क्यों बचाएंगे, वो तो अपने नेता को बचाने आए हैं, जैसा कि मैंने आपको एक छोटी सी वीडियो में बताया। और मेरा नेता मुझे बचाता है, मैं अपने नेता को बचाने आया हूँ। कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने यह कहा कि देश की आम जनता पर जो प्रहार हो रहा है उसे लेकर के ये लड़ाई है, ये लड़ाई लंबी चलेगी और आज जो मुख्य मुद्दा है वो बेरोजगारी और महंगाई का है। बात हो रही है ईडी की, लेकिन कहने को कह रहे हैं कि मुद्दा जो है बेरोजगारी और महंगाई का है। कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी का कहना है कि गांधी परिवार को बचाने के लिए सब हो रहा है। और सलमान खुर्शीद से जब मीडिया ने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि वो किसको बचाते हैं, उनके यहाँ परिवार नहीं है, वो परिवार नहीं रखते, परिवार को बचाने के लिए वो क्यों आएंगे, वो अपने नेता को बचाने आए हैं और क्योंकि उनका नेता उन्हें बचाता है। तो सीधे सीधे उन्होंने ये कहा कि वो सोनिया को बचाने आए हैं, वो राहुल को बचाने आए हैं। लेकिन देखा जाए तो फैमिली तो एक ही है, राहुल सोनिया एक परिवार। खैर, नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ कर ही चुका है। ईडी की पूछताछ का कांग्रेस विरोध कर रही है, पहले भी किया था, कई बार किया है। राहुल गांधी का कहना है कि जांच एजेंसियां केंद्र सरकार के इशारे पे काम कर रही हैं, ये एक और बड़ा आरोप है उनका। और प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने यंग इंडिया यानी कि YI प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय में तलाशी अभियान के दौरान
वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ की। खड़गे YI के प्रमुख अधिकारी होने के नाते ED अधिकारियों की सहायता भी कर रहे थे जब उनसे पूछताछ की गई। उनसे YI के कुछ दस्तावेजों को लेकर के पूछताछ की गई। ये पूछताछ कल ही की गई थी यानी कि गुरुवार को, और ED अधिकारियों की एक टीम तलाशी अभियान के लिए यंग इंडिया कार्यालय पहुंचती है। वहां उन्होंने कार्यालय खोला पहले तो, बाद में उसको सील कर दिया। ईडी ने इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन बंसल को 2 ईमेल भेजने के बाद जब उन्होंने सहयोग नहीं किया तब उन्होंने कहा कि इस कार्यालय को सील कर दिया जाए। तो ये सब चीजें एक तरफ चल रही हैं और ईडी की कार्रवाई एक तरफ चल रही है और पूरे देश भर में कांग्रेस अपने नेताओं को एक कार्यकर्ताओं के साथ धरने प्रदर्शन कर रही है। सीधे तौर पे वो नहीं कह रहे हैं कि हम ईडी की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अंदर से कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि अब उनका नंबर आ चुका है, वो बच नहीं सकते, क्योंकि संजय राउत और उधर बंगाल के 2-3 लोग ऑलरेडी हिरासत में हैं, तो फिर ये लोग कैसे बच जाएंगे। और अपने को बचाने के लिए अब ये आज महंगाई का और बेरोजगारी का मुद्दा लेकर के जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये ईडी की कार्रवाई से बच जाएंगे? क्या ये तरीका उनको कुछ मदद कर पाएगा महंगाई की आड़ में जो ये धरने प्रदर्शन कर रहे हैं? जो भी आपके दिमाग में है आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इतना ही, मैं आपसे फिर मिलती हूँ किसी और कंटेंट के साथ, किसी और स्टोरी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।